Hello my angels, welcome back to our channel Be You Be Beautiful. And as you know, with the thumbnail today, I'm going to recreate none other than a dream girl of Bollywood. Yes, Hema Malini. मैं हमेशा सोचती हूँ कि खुदा ने इन्हें बनाने के लिए तो काफ़ी समय लगाया होगा, क्योंकि उनकी आँखें, होठ, फेस, everything is so perfect. पता नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होती है, लाइक whenever I see her. और आज तक उन्होंने अपना स्टाइल, सुंदरता वैसे का वैसे ही मेंटेन रखा है. जाहिर है कि उम्र तो होती रहती है, लेकिन उसे मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है. तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये लुक आई मेकअप स्पेशली क्रिएट करते हैं. तो यहाँ पे मैंने सिफोरा का पॉकेट पैलेट का इस्तेमाल किया है. इसमें से मैंने एक ब्लैक आई शेडो यूज़ कर रही हूँ. अगर आपके पास सिफोरा या ऐसे कोई पैलेट में ब्लैक शेड नहीं है, तो आप कोई भी जेल ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं. जेल काजल, यू कैन यूज़ इट. और इस तरीके से रफली यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन ऑन योर. अगर आप देखोगे तो मेरे काजल लगे हुए हैं, लिपस्टिक भी लगा हुआ है, क्योंकि मैंने बोला है कि ये मेकअप स्पेशली उनका आई मेकअप को बताता है. और ये लुक मैंने काफ़ी टाइम क्रिएट करने के बाद, आई थॉट दिस इज़ लिटिल बिट नियर टू हर लुक. सी, देखिए, हर कोई बंदा यू नो, एवरी वन कैन ट्राई टू लुक समथिंग और सम वॉट लाइक देम, बट उनका खूबी, उनकी ब्यूटी तो उन्हीं की है. अभी एक फ्लफी ब्रश की सहायता से ये जो लाइन को हल्के हाथों से थोड़ा सा स्मच कर लीजिए, जस्ट टू गिव इट अ नाइस ब्लेंडेड लुक. अभी मैं दोबारा इसी पैलेट में से एक ब्राउन शेड का यूज़ कर ये ब्लैक के ऊपर प्लेस कर रही हूँ. दिस इज़ यू नो, ताकि हमारा जो क्रीज है वो थोड़ा और ज़्यादा प्रोमिनेंट स्टैंड आउट करे, इसलिए ये लुक इस तरीके से किया करते थे. मैंने फ़ोटो को बहुत गहराई से देखा है और ये रेट्रो लुक तो है, बट अभी ये दोबारा यू नो, इट्स कम बैक. ऐसा लगा कि थोड़ा ब्लैक और ऐड होना चाहिए था, तो आई विल बी पुलिंग इट लाइक दिस. थोड़ा जो आँखों का हमारा जो लिड का जो बॉर्डर है, उधर पे थोड़ा सा एलोंगेट करना है, खींचना है. ये लुक क्रिएट करते समय मुझे इतना खुशी हो रही थी, बिकॉज हर आईज इज़ समथिंग विच आई एडमायर अ लॉट. एंड अगर आप देखते हो कि पुराने मूवीज़ में अगर कोई गॉडेस का अवतार प्ले करता है, तो मोस्टली हेमा मालिनी जी ही प्ले करती थी. तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न शी इज़ बीन कॉल्ड एज ड्रीम गर्ल. तो शी डिज़र्व्स टू बी कॉल्ड सो, आई थिंक सो. सो बस मैंने कुछ नहीं किया है यहाँ पे, वो ब्लैक मार्कर के इस्तेमाल से, या सॉरी आईलाइनर के यूज़ से थोड़ा स्मॉल विंग टाइप खींच रही हूँ फ्रॉम द मिड सेक्शन ऑफ द आईज. मैं काफ़ी कंफ्यूज थी, बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ पिक्स ऑफ हर और फाइंडिंग इट विच इज़ लुकिंग बेटर. तो मैंने कुछ इस तरीके से किया है, जो आप देखोगे कि आजकल की जनरेशन भी काफ़ी कर रहे हैं, विंग्ड आईलाइनर और थोड़ा पुल आउट एलोंगेटेड काइंड ऑफ आईलाइनर. तो कुछ नहीं, हाफ ऑफ द आई बॉल से आपको पुल करते हुए आना है, एंड देन उप्स, कोई बात नहीं, इसे हमें आगे की तरफ इस तरीके से लेना है. और यू कैन जस्ट ओवरलैप इट और थोड़ा थिक बना सकते हो अगर आप चाहे तो. मैंने थोड़ा थिक रखा हुआ है. और अपने आप को काफ़ी पेशेंट रख कर ये लुक क्रिएट करिए. हल्के हल्के स्ट्रोक्स दीजिए और आगे से मैंने कुछ इस तरीके से खींचा है. एंड बस ये जो काजल मैंने लगाया था ऑलरेडी, उसी के ऊपर एक बार लाइनर को रन कर लीजिए. और जैसे ही आप आँखों के एज पर आते हैं, तो एक छोटा सा विंग टाइप क्रिएट करिए. तो ये कुछ ऐसे ड्यूअल विंग जैसे दिखता है. मोस्ट ऑफ़ दी पुराने मूवी में हमारे एक्ट्रेसेस इस तरीके से आईलाइनर लगाते थे, तो मैंने अपने सेकेंड आँखों पर भी इसी तरीके का लुक क्रिएट किया है.
तो मुझे बताइए, आप हेमा मालिनी के कौन से मूवीज़ देखकर बहुत खुश हुए, उनके कौन से वाले मेकअप आपको बहुत अच्छा लगा है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोबारा काजल को एक बार दोबारा रन कर रही हूँ, बिकॉज़ यू नो समटाइम्स द टीयर डक्ट और ये सब विजिबल होता है स्किन, तो उसे हाइड करने के लिए एक बार दोबारा काजल रन करिए और हल्के हाथों से मस्कारा लगा रही हूँ। प्रोडक्ट डिटेल्स सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ उसी को आप यूज़ करें, क्योंकि मैं आई लैशेज़ भी लगाने वाली हूँ, तो बस हल्के हाथों से मस्कारा लगा लिया है और ये अब मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ रिमेल मस्कारा आईब्रो पेंसिल। और ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वाला मस्कारा, जनरली आईब्रो पेंसिल मस्कारा, पेंसिल नहीं बोल सकती, मस्कारा ही बोल सकती हूँ, तो ये बहुत अच्छा है यू नो। एंड विद द हेल्प ऑफ अ स्पूली मैं बस थोड़ा सा हल्के हाथों से उसे ब्रश कर रही हूँ, और अगर आप नोटिस करेंगे मेरे आईब्रोज़ के जो आगे की जो पार्ट है वहाँ पे बहुत कम हेयर स्ट्रोक्स बैठता है, बिकॉज़ हेयर ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, मेरे आईब्रोज़ बहुत ही फेंट है, बहुत लाइट है, तो उसे मैं रीफिल कर रही हूँ जस्ट बिकॉज शी हैज़ अ नाइस बुशी आईब्रोज। तो बस कुछ कोशिश में हूँ, उम्मीद करती हूँ कि समहाउ इट कम्स आउट गुड। तो अभी मैं एक कॉन्टोर पैलेट से इस तरीके से डार्कर शेड लेकर अपने फेस को कॉन्टोर करी, क्योंकि उनका फेस काफ़ी चिसल्ड और शार्प है, मुझे थोड़े अपने फैट्स को छुपाने के लिए कॉन्टोर ज़रूरी है। तो अभी मेरे हस्बैंड बैकग्राउंड में आए, कुछ बोल के चले गए, तो मैं उसी पे हंस रही हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ गाने बज रहे थे, समथिंग वॉज हैपनिंग एंड देन ही कमेंटेड ऑन। एंड यू नो वॉट, आई लव टू प्ले म्यूज़िक वेन एवर आई एम डूइंग सम मेकअप और सम रिक्रिएशन, इट गिव्स यू अ नाइस पॉजिटिव वाइब्स। तो विद द हेल्प ऑफ अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर ये वाले सारे कॉन्टोर को हम ब्लेंड करेंगे। देखिए, मेकअप ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि आपको मेकअप करना ही चाहिए, लेकिन यू नो इट दिस गिव्स यू अ पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिविटी देता है आपको, काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस देता है। तो अगर आप उनमें से हो जो आप मेकअप करना पसंद करते हो, तो प्लीज़ अपने आप को ये मत सोचिए कि आप मेकअप क्यों करते हो, अरे आपको जो पसंद है आप करिए बिल्कुल, क्योंकि जिसको नहीं पसंद है वो भी उनका ऑप्शन है। तो एंड यहाँ पे मैं ब्लश लगा रही हूँ, हल्के हाथों से ब्लश को ऊपर की तरफ ब्लेंड आउट कर रही हूँ। फिर मुझे याद आया कि मैंने अपने नाक को कॉन्टोर नहीं किया था, तो पहले नाक को कॉन्टोर करने से पहले मैंने एक हाइलाइटर को थोड़ा सा अपने फिंगर से बीच की तरफ ऐसे रन किया, एंड देन विद द ब्रश डार्क ब्राउन शेड के यूज़ से इस तरीके से दो पैरेलल लाइंस बना रही हूँ, एंड विद अ सॉफ्ट फ्लफी ब्रश इसे ब्लेंड करूँगी जस्ट टू गिव अ यू नो अ फेक शार्प लुक। आजकल ये काफ़ी बहुत कॉमन है टू गिव अ नाइस कॉन्टोर टू योर नोज़ जस्ट टू ब्रिंग इट यू नो मेक इट मोर शार्प। तो और बीच में हाइलाइटर लगा रही हूँ और फिंगर्स की सहायता से उसे ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत हल्का। ठीक है, मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर अपने ब्रश पे लेकर आईब्रो बोन्स पे भी लगा रही हूँ, ऐसे करने से आपका आईब्रोज थोड़ा स्टैंड आउट करता है और आपका जो आँख और आईब्रोज के बीच में एक छोटा सा गैप दिखता है। यहाँ पे मैं कुछ करने की कोशिश में थी, बट देन आई थॉट ऑफ नो इट्स ओके दैट्स ऑल। सो ये हो गया मेरा फाइनल लुक। तो मेरे पास जो कुछ इयररिंग वॉज मैचिंग टू दिस लुक मैंने वो पेयर कर लिया है, बाल मेरे छोटे हैं तो मैंने एक यू नो मेरे पास एक पुराना एक्सटेंशंस थे तो उसे भी मैंने ट्राई किया है, अगर आप देखेंगे आगे वाले वीडियोस, लेकिन वो एक्सटेंशन का कलर और मेरे बालों का कलर आज के दिन में बहुत डिफरेंट है, तो इसके लिए वो मैच नहीं कर पा रहा था, बट आई गेव इट अ ट्राई। तो बस इस तरीके से एक सिंपल सा लुक क्रिएट किया है और फेक लैशेस भी लगाई है, विच
गेव दैट मोर यू नो ब्राइटनेस टू दी आईज़। तो अगर आपको ये लुक अच्छी लगी है और मेरी मेहनत इसके पीछे अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके आगे वाला घंटी वाला बटन प्रेस करना ना भूले। बिकॉज़ अगर आप कभी मेरा कोई वीडियो नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। और मैं आपको बता दूँ, ये बिल्कुल ही फ्री है। तो ऐसे बहुत सारे आगे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे से बने रहिए। चैनल को इंस्टा पे फॉलो करिए, जो कि ये है लिंक मैंने आपको दिया गया है। तो बस अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और खुश रहिए जितना हो सके। अपने आप से प्यार करिए और सभी से प्यार करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी यू, बी ब्यूटिफुल। दिस इज़ सनी हियर साइनिंग ऑफ।